कहते हैं कि किले और इतिहास दोनों ही जुड़वा भाई समान होते हैं। किलों में इतिहास बनता है और इतिहास किलों की महिमा के गुण गाते हैं। लेकिन विश्वविख्यात किले और आलीशान महलों से खचाखच भरे राजस्थान में ये एक ऐसा किला है जिस तक पहुंचता यह कच्चा रास्ता ये संकेत देता है कि यह किला औरों जैसा नहीं है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हमें अभी जयपुर एक्सप्रेस वे पे और हम चल रहे हैं एशिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ की यात्रा पे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और देखते हैं भानगढ़ का किला और जानते हैं इसके बारे में कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो दोस्तों भानगढ़ का किला जयपुर हाईवे पर हाईवे से अंदर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यह किला जयपुर से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहां घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप अपने वाहन से आते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप यहां रुकना चाहते हैं तो यहाँ काफ़ी रिसोर्ट और होटल बने हुए हैं। तो दोस्तों एक लंबे सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ के किले, तो फिर चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं इसके अतीत और वर्तमान से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो दोस्तों इस किले के अतीत के पन्नों में जाने पर यह पता चलता है कि यह प्रारंभ में एक छोटा सा नगर हुआ करता था, जिसकी स्थापना सन 1583 में आमेर के राजा भगवान दास ने की थी, जिसे कि बाद में राजा मान सिंह ने अपने भाई माधव सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया। कहते हैं कि माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सन 1556 से 1605 तक दीवान के पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये उस समय की पुरानी दुकानें और घर थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से खंडार और वीरान पड़े हुए हैं। तो दोस्तों भानगढ़ की इस स्थिति के बारे में कहते हैं कि राजा माधव सिंह ने जब भानगढ़ को अपनी राजधानी और रिहायश बनाया तो उनके बाद उनके वंशज अजब सिंह ने अजबगढ़ बनाया और कुछ वंशज भानगढ़ में ही रहे। और इसके बाद कहते हैं कि माधव सिंह के भानगढ़ के वंशज औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए और फिर मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह ने उन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। और इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि अजबगढ़ ने भानगढ़ पर आक्रमण किया था, तभी से भानगढ़ वीरान और खंडहर में बदल गया। तो दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से पूरे भानगढ़ में कुल 5 दरवाजे बनाए गए थे, जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर अजमेरी दरवाजा, लाहौरी दरवाजा, फूलवारी दरवाजा और दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने सुना है कि भानगढ़ में रात में रुकने पर सरकार द्वारा मनाही है, और शाम होने से पहले इंसान तो क्या जानवर भी यहाँ रुकना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों चलते हैं इस महल के अंदर और जानते हैं इससे जुड़ी कहानी के बारे में। तो दोस्तों भानगढ़ को एक शापित जगह के रूप में भी माना जाता है, जिसके पीछे कहते हैं कि भानगढ़ में एक राजकुमारी हुआ करती थी रत्नावती नाम की, जो कि बहुत सुंदर हुआ करती थी, और उसी राज्य में एक तांत्रिक भी था सिंधिया सेवड़ा नाम का, जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था लेकिन यह असंभव था। इसीलिए तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी की दासी, जो कि राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। लेकिन राजकुमारी के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिर गया तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने मरते समय उस नगरी व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे यह नगर ध्वस्त हो गया।
इसके अलावा भानगढ़ के किले से एक कहानी और एक श्राप और जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहते हैं कि भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थली था, जिसने कि इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी थी कि किले की परछाई कभी भी मेरे तपस्या स्थली को नहीं छूनी चाहिए। लेकिन राजा माधव सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान न देते हुए किले का निर्माण कार्य ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थली पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर भानगढ़ को श्राप देकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बालूनाथ जी की समाधि आज भी किले के बाहर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये तो इस किले का इतिहास है, पर मानना या ना मानना आपकी और मेरी सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह जगह पूरी तरीके से खंडित है। इसकी जो ऊपरी इमारत है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है, और जो आप वो सामने देख रहे हैं वो रानी रत्नावती का मंदिर है। आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको। रत्नावती के इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पूजा पाठ के लिए आता है। क्या पता कोई स्थानीय निवासी यहाँ आता हो और पूजा पाठ करता हो। तो दोस्तों, ऊपर आप जो पहाड़ पर छतरी देख रहे हैं वो तांत्रिक सिंधिया सेपड़ा की छतरी है। कहते हैं कि वो वहीं रहता था और तंत्र साधना यहीं से किया करता था। तो दोस्तों, भानगढ़ के इस महल के बारे में बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि पहले यह महल लगभग 7 मंजिल इमारत का बना हुआ था, पर इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह 4 या 5 मंजिल इमारत से ज्यादा इसका निर्माण नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, भानगढ़ किले के इस परिसर में एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है, जो कि जरूर उस समय की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया होगा, क्योंकि यहां हमेशा पानी की बड़ी समस्या बनी रहती है। इसके अलावा यहां 2 मंदिर भी बने हुए हैं, जिनमें से एक है सोमेश्वर मंदिर। तो दोस्तों, नागर शैली में बना यह मंदिर पूर्णतः भगवान शंकर को समर्पित है। तो दोस्तों, सोमेश्वर मंदिर के बाद यहाँ एक और मंदिर है। आइए चलकर देखते हैं इस मंदिर में क्या है और ये किसका मंदिर है। तो दोस्तों, इस मंदिर को गोपीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, पर नागर शैली में बने इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, पर इसको देखकर यह लगता है कि जरूर यह राधा कृष्ण का मंदिर रहा होगा। इसके साथ मकरामुख जल निकासी की व्यवस्था को देखकर यह भी लगता है कि यह भगवान शंकर का मंदिर भी हो सकता है। तो दोस्तों, अक्सर इसे लोग हॉन्टेड प्लेस के नाम से जानते हैं,
पर मेरा सोचना ऐसा नहीं है कि ये हॉन्टेड प्लेस है। ये काफ़ी शांत और एक काफ़ी खूबसूरत जगह है, जो आप यहाँ पर आकर इसको महसूस कर सकते हैं कि ये जगह कैसी है। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।